आज हम वितान जो पूरक पाठ है उसमें से जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, अर्थात गायिका जो भारत में है। उसमें लेखक कहना चाहते हैं कि लता मंगेशकर के बराबर कोई भी गायिका नहीं है। तो इसके रचनाकार हैं कुमार गंधर्व जी। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था, वो कुमार गंधर्व जी बता रहे हैं। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा, अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा स्वर नहीं था। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, मुख्य है, रोज का नहीं है, अर्थात ऐसा स्वर मैंने रोज नहीं सुना। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा बैठा, अर्थात हृदय से जो स्वर था वो मेरे हृदय को छू गया। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा, तल्लीन होकर के लेखक इनके जो गाने थे उनको सुनते रहे। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। जैसे ही मैंने गाना सुना उसके बाद जो नाम घोषित किया वो था लता मंगेशकर का। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया, हैरान हो गया लेखक, मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव। प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर के अजब गायिका एक दूसरे स्वरूप लिए उन्हें की बेटी को कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ, अर्थात लता मंगेशकर के जो पिताजी दीनानाथ हैं वो भी गाते हैं। लेखक कहते हैं उनकी भी अजब गायिका है, लेकिन लता मंगेशकर की तो गायिका उनसे भी अलग है। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का कोई गाना था। अब यहाँ पर चित्रपट संगीत के बारे में, जैसे मैंने कहा कि आप लोग सिनेमाघर में जाते हैं, वहाँ फिल्म देखते हैं, तो जो पर्दा होता है उसके ऊपर जो नायक नायिका होते हैं वो गाना गाते हैं। तो गाना तो जैसे दूसरे लोग गा रहे हैं लेकिन उन पर फिल्म आ रहे हैं, तो इसको चित्रपट कहते हैं। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है उस समय से आज तक, और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। अब वो लता से पहले की बात कर रहे हैं, लता के गायकी समय से पहले की, कि उस समय एक नूरजहाँ हुआ करती थी, उसका चित्रपट संगीत का भी अपना एक जमाना था। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। लेखक कहते हैं कि पहले नूरजहाँ को लोग बहुत पसंद करते थे जो चित्रपट में संगीत दिया करती थी, लेकिन लता तो इनसे भी चित्रपट संगीत में और ज़्यादा बेहतर निकली, अर्थात इनके समान कोई गायिका नहीं है। कला के क्षेत्र में ऐसा चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादन पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। यहाँ पर बेटा इसने उदाहरण दिया है सितारिये विलायत खां, वो सितार वादन थे, उनका बेटा उनसे भी अच्छा सितार वादक बना। तो कभी लेखक कहते हैं कि ऐसे लोग कभी कभी ही दिखाई देते हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं, कि मैं ये मानता हूँ कि आज तक लता मंगेशकर की गायकी के समान गाने वाली कोई भी गायिका इनके टक्कर में नहीं है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई, कि लता का जो संगीत है वो इतना हृदय को छूने वाला होता है जिससे लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखना और सुनना पसंद करते हैं, इसलिए चित्रपट संगीत की लोकप्रियता भी बढ़ गई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने की दृष्टि भी एकदम बदला है। पहले जैसे शास्त्रीय संगीत थी तो लोग उसको ज़्यादा सुना करते थे, लेकिन जैसे ही लता चित्रपट पर आई तो लोगों की दृष्टि उसके प्रति भी बदल गई। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर बच्चे गाना गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घर में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया। अब लेखक हम समझा रहे हैं कि बच्चे आज नहीं, बहुत पहले से, अतीत से मैं सुन रहा हूँ कि कुछ बच्चे गा रहे हैं, लेकिन पहले जो वो गाना गाते थे और आज जो बच्चे गाना गाते हैं उनमें काफ़ी अंतर
सुनाई पड़ता है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं, बिना स्वर के वो गाना नहीं गाते, वो स्वर में ही गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है, तुम्हें पूछना चाहता हूँ। तो ये प्रभाव लता का नहीं तो और किसका है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। अब आप लोग को ये तो मालूम है कि लता मंगेशकर के जो स्वर है उसको कोकिला के स्वर से, कोयल के स्वर से तुलना की है, कि जैसे कोयल की मीठी वाणी है तो लता जी का भी जो स्वर है बहुत मीठा है, तो उसको सुनने वाला भला उसका अनुकरण अर्थात उसकी आवाज़ में क्यों नहीं गाने की कोशिश करेगा। ये स्वाभाविक ही है, ये तो अपने आप स्वतः ही मन से उत्पन्न होता है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। स्वर मालिकाएं का है, स्वरों का क्रमबद्ध एक समूह होता है। स्वर मालिका में बोल शब्द नहीं होते, इसे कहेंगे। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है लोगों का, उनका स्वर ज्ञान भी बढ़ा रहा है, अर्थात अब वो गा रहे हैं तो स्वर जो लय यति गति है, किस तरह से हमें गाना है, तो उसके गान यानी उनका जो ज्ञान है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। अब तक तो बच्चों को ये नहीं पता था सुरीलापन क्या होता है, लेकिन लता जी के चित्रपट संगीत के गाने सुनने के बाद उनको पता लग रहा है कि सुरीलापन किसे कहते हैं, उसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकाशयुक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता सांस में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता जी को ही है। इस प्रकार अपने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है लता जी ने, और सामान्य मनुष्य में संगीत के विषय अभिरुचि पैदा करने में लता जी का बहुत बड़ा हाथ है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता जी को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोताओं को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद आएगी। ध्वनि मुद्रिका यानी कि जिस गाने में निर्धारित नियमों के अंदर गाया बजाया जाता है, है? और जिसके कुछ अपने बोल होते हैं। शास्त्रीय गायिका में भी इसी तरह कुछ होता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के राग आदि होती हैं। तो ये कहते हैं कि इसको ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा आज, शास्त्रीय गायकी को इतना पसंद नहीं करेगा आज का बच्चा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, वह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। इससे कोई मतलब नहीं कि राग माल कोश था और या ताल त्रिताल। तो ये रागों के नाम है माल कोश और ताल त्रिताल। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि माल कोश भैरवी घाट का राग जिससे रे और प वर्जित है, अर्थात रे और प नहीं आते, इसमें प वर्ण, रे वर्ण और प वर्ण, इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं। यह गंभीर प्रकृति के लोकप्रिय राग है। दूसरा मैंने बताया आपको त्रिताल, ये 16 मात्राओं का ताल है, इसमें चार चार मात्राओं के चार विभाग होते हैं, इसको त्रिताल कहते हैं। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और ये स्वाभाविक है क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य हो तो वह मनुष्य वैसे ही गानपन का मतलब गाने का ऐसा अंदाज जो आम आदमी को भाव विभोर कर दे, तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यानी कि जो लता जी का गाना है तो उसमें 100% गानपन मौजूद मिलेगा। गानपन अर्थात जो व्यक्ति को सुनने में भाव विभोर कर दे, ऐसा गाना। तो लता जी जो चित्रपट पर जो संगीत दिया करती थी वो इसी तरह का गाना होता था। और मैंने अभी आपको बताया था मालकोस और त्रिताल के बारे में, तो यानी कि ये राग होती हैं। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता
उसके स्वरों को निर्मलता। उसके पहले के पार्श्व गायिका नूरजहाँ भी एक अच्छी गायिका थी। अब ये नूरजहाँ के बारे में बता रहे हैं कि वो पार्श्व गायिका थी, वो भी अच्छी थी, उसमें संदेह नहीं। तथापि इनके गानों में एक मादक माने जैसे नशा या मादकता, पागलपन उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमल और मुग्धता है, जबकि लता के स्वर में कोमलता है और अपने ओर मुग्ध करने वाला, आकर्षित करने वाले हैं। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं शम संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसे कहीं मिला नहीं कह सकता रह सकता कि मैं यदि संगीत का दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत ही जटिल गाने के लिए काम देता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नाद्य में उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते हुए एक दूसरे में मिल जाते हैं। बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ ये बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। तो आज हमने इसको इतना पढ़ा है, अब इसके आगे व्याख्या कल करें।